मॉर्निंग स्टैंडर्ड 4। आज मैं आपको मैथ्स में ज्योमेट्री बताने जा रही हूँ। ज्योमेट्री में आपको इसके पहले भी मैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बता चुकी हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री का होता है। और इसको बताने बनाने के लिए, इसके एंगल्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, 9 के ए में दिया हुआ है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जो दिया हुआ है एंगल आपका, बताना है कि 90, इसका बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इसे हम जब बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे इस ढंग से, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इससे जाहिर होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसलिए 90 डिग्री माइनस इस 45 को 90 डिग्री से माइनस करेंगे। 90 डिग्री से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ 45 डिग्री। आपका क्वेश्चन में कितना भी डिजिट क्यों ना हो, आपको 90 डिग्री से ही माइनस करके उसके एंगल्स को निकालना है। तो 90 डिग्री में 45 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, इसमें से ज़्यादा नहीं बता रही मैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 2, 10 से 2, 2-2 बता रही हूँ। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आप इजली आराम से अपने घर पर होमवर्क में बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि 54 डिग्री का एंगल्स जो है निकलना है। आप इसमें बनाएंगे इसका भी यही प्रोसेस बनेगा। इसी प्रोसेस से द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 54 डिग्री को हमको माइनस करना है। हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 36 डिग्री। ओके, 1 4 लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचाए 8, 8 में से 5 गया 3, आपका 36 डिग्री आपका एंगल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 डिग्री, असप्लीमेंट्री हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल, मेन पॉइंट हमने लिख दिया है। अब आप बुक में टेक आउट योर मैथ बुक अपना खोलेंगे और उसमें से देखेंगे, क्वेश्चन मिला लेंगे। क्वेश्चन मिला करके आप बनाएंगे राइट द सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 ए में बनाए हैं हम, यहाँ पर दिए हैं 25 डिग्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 180 डिग्री में से 25 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इसमें बी नंबर, इसका भी हमने दो बनाया है ए और बी। ये है 75 डिग्री, ये भी सेम बनेगा। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 डिग्री से 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे जब जब जितना तरह का मैथ बताया जा रहा है सारे मैथ्स को कॉपी में बना करके रखेंगे। किसी भी दिन आपको कहा जाएगा यहाँ कॉपी जमा करने के लिए ताकि उस करेक्शन किया जा सके समय रहने पर। तो आप लोग ध्यान से बना करके कॉपी तैयार रखें।